हेलो एवरीवन, ईट यम्मीशियस पर आपका स्वागत है। आज हम आटे के चूरमे के लड्डू बनाएंगे, जो कि बहुत ही इजी है बनाने में। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है आटे के चूरमे के लड्डू की, और बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये लड्डू खाने में, तो आप भी इन्हें ज़रूर बनाइएगा। और साथ ही में अगर आपको ये आटे के चूरमे के लड्डू पसंद आए तो प्लीज़ ईट यम्मीशियस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आटे के चूरमा लड्डू बनाना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरह का परात लिया है, बड़ी वाली थाली। इसमें हम ये मैंने 400 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, और गेहूं के आटे के साथ मैं इसमें ये तकरीबन 50 ग्राम के करीब सूजी डाल रही हूँ, बारीक वाला रवा। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे पहले। अब मैं इसमें तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ। अगर घी जमा हुआ है तो आप इसे थोड़ा सा पिघाल लीजिए। और इसे अब हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, और पानी डालते हुए हम इसका एकदम सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। एकदम सख्त और कड़क आटा लगाना है हमें इसका, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालते जाएंगे और इसका सख्त आटा गूंथ लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह का सख्त आटा हमें लगाकर तैयार करना होगा। देखिए इस तरह से, ये देखिए, अब हम इन्हें इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो या तो आप रफली इसकी इस तरह से मुठ्ठियां बना सकते हो, और इन्हें आप दो तरह से बना सकते हो, ये देखिए इस तरह से, या फिर जिस तरह से हम बाटियां बनाते हैं उस तरह से भी हम इसे गोल गोल बनाकर तैयार कर सकते हैं, ताकि इन्हें पकाने में हमें इजी रहे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इस तरह से रफली हमें इसकी बोल बनानी है इस तरह से। तो ये दो तरीके हैं, आपको जो ईजी लगे आप उसे काम में ले सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे डो को इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। अब गैस पर मैंने ये जो घर का तंदूर होता है, जिसे कि हम बाटी वाला कुकर भी कहते हैं, ये मैंने गर्म होने के लिए रखा है। तो स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर ढक के हम इसे गर्म होने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो अब ये गर्म हो चुका है, तो इसमें जो डो के हमने लोइयां इस तरह से बनाई है वो हम इसमें इस तरह से रखते जाएंगे। तो इसे आप इस तरह से बेक करके, यानी कि इस तरह से सेक के भी, जिस तरह से हम बाटियाँ सेकते हैं उस तरह से भी बना सकते हो, या फिर आप इन्हें घी में भी फ्राई कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हम इस पर अरेंज कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम दोबारा ढक्कन से इसे ढक देंगे, और इसे हम बीच बीच में पलटते रहेंगे, दोनों तरफ से हमें इसे पलटना होगा। पलटते हुए हमें इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने इसे दोनों तरफ से पलटते हुए सेक लिया है, और इसमें तकरीबन 25 से 30 मिनट का टाइम लगा है, और ये अच्छे से कड़क भी हो चुके हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे इसमें से। ये देखिए, ये एकदम अच्छे से कड़क हुआ है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब ये जो चूरमे की बाटियां हैं इनके हम टुकड़े कर लेंगे। अभी ये काफी गर्म है, ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए, तो इसके लिए हम इसके टुकड़े कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, तो अब हम इसे हवा में रख देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए, जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे मिक्सी में डालकर पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। अब देखिए, मैंने इसका इस तरह से पीस कर एकदम बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे, चीनी का पाउडर, चीनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है, तो इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, चीनी को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें तकरीबन 3 कप पिसी हुई चीनी डाली है। तो अब हम इसमें घी डालेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ गैस पर कढ़ाई में 1 कप घी गर्म होने के लिए रखा है, इसे हम गर्म होने देंगे पहले। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये देखिए, 15-20 मैंने काजू के टुकड़े लिए हैं, इस तरह से मैंने उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर 15-20 बादाम लिए हैं कतरन करी हुई, और ये 2 टेबल स्पून मैंने किशमिश लिया है। तो इसे हम इसमें डाल देंगे, पहले काजू डालेंगे और फिर बादाम डाल देंगे, और हल्का सा इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। मैं इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को इसमें थोड़ा सा फ्राई करके डाल रही हूँ, आप इसी तरह से भी डाल सकते हो। और अब हम ये जो किशमिश है ये हम इसमें डाल देंगे, और इस तरह से इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, किशमिश इस तरह से फूलने लगी है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे, और ये इसे अब हम चूरमे के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, इस गर्म गर्म घी को हम इसमें डाल देंगे। इसे अब हम चम्मच से मिक्स करेंगे, हाथों से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है, हाथ जल सकता है। तो चम्मच से अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, घी को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें हरी इलायची का पाउडर डालेंगे,
अच्छे से डालेंगे ताकि हमारे जो चूरमा के लड्डू है इसमें काफी अच्छा फ्लेवर आए इसका। और यहाँ पर आप इसमें जो सूखा हुआ नारियल होता है खोपरा वो भी इसमें आप कद्दूकस करके डाल सकते हो। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर जो घी है उसकी अमाउंट उतनी ही डालनी होती है जितने की हम इसके लड्डू आसानी से बना सकें। तो अब आप यहाँ पर छोटे या बड़े जिस भी साइज में चाहो लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हो। तो एक और बात बता दूं कि मैंने यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में ये मिक्सचर तैयार किया है चूरमा लड्डू बनाने के लिए। आपको जितना बनाना हो उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो सभी इंग्रेडिएंट्स को। तो ये देखिए काफी इजीली ये लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जिस भी साइज में आप चाहो लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हो। तो पूरे मिक्सचर के हम इसी तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे और इन्हें हम प्लेट में रखते जाएंगे। ये लीजिए मैंने कुछ चूरमे के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। उन पर मैंने थोड़ा सा पिस्ता कतरन लगा लिया है। तो अब हमारे ये जो चूरमे के लड्डू है ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आपने देखा कि बहुत ही ईजी है इसे बनाना। साथ ही में इसमें हमने मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट नहीं डाला है जिस वजह से इसकी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी है। तो इसे हम 3 से 4 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप भी इन्हें बनाइए खाइए और साथ ही में प्लीज ईट यम्मीशियस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन एंजॉय दिस आटे के हेल्थी एंड टेस्टी चूरमे के लड्डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मीशियस।